kindly like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Hello everyone, welcome to EDUNOM MEDIA, I'm Lambod. As you know, NEET exam khatam ho chuka hai 5th May 2019. But still, it's a really unfortunate for few students. Karnataka, Bangalore mein kuch students train late ke wajah se NEET exams appear nahi kar paaye. Kyunki unka train timing tha subah 6 baje ka kal ka, but 8 ghanta train late tha almost, 6 to 8 hour train late tha. 2:30 baje center mein pahunche. इसीलिए एग्जामिनर ने अलाउ नहीं किया टू गिव द नीट एग्जाम्स. ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स थे. डियर स्टूडेंट्स, हाउ डू यू थिंक, क्या उनको एक दोबारा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप लोग ये डिसीजन लीजिए डियर स्टूडेंट्स. यस, आई एम आस्किंग टू यू स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम रिक्वेस्टिंग द NTA ऑफिशियल्स, दोज हु आर कंडक्टिंग द नीट एंट्रेंस एग्जाम्स. स्पेसिफिकली जो 500 स्टूडेंट्स थे उनको दोबारा नीट एग्जाम्स के लिए अपीयर किया जाना चाहिए. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू नीट ऑफिशियल्स, बिकॉज उनका लाइफ टाइम का सवाल है. एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, प्लीज आप लोग डिसीजन कीजिए. जो 500 स्टूडेंट्स नीट एग्जाम अप्रोक्सीमेटली नीट एग्जाम नहीं दे पाए कर्नाटका में, क्या उनको दोबारा अलाउ करना चाहिए नीट एग्जाम देने के लिए या नहीं देना चाहिए? यू डिसाइड. एट द सेम टाइम और एक अनफॉर्चुनेट न्यूज वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में हुआ है. बिकॉज ऑफ NTA ऑफिशियल ने हिंदी क्वेश्चन पेपर शॉर्ट के वजह से, दैट मीन्स जितना स्टूडेंट्स उस सेंटर में थे उनके पास हिंदी क्वेश्चन पेपर, जो स्टूडेंट्स हिंदी में एग्जाम देने वाले थे, NTA के पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं था. तो ये भी एक सरप्राइजिंग था फॉर द स्टूडेंट्स, जो सालों सालों से तैयारी कर रहा है एग्जाम देने के लिए, उनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं मिला बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ क्वेश्चन पेपर. इट्स रियली सरप्राइजिंग एंड अनफॉर्चुनेट न्यूज. बट एट द सेम टाइम उस इमीडिएटली उस सेंटर में क्या हुआ, डायरेक्टर ऑफ NTA ऑफिशियल ने फोन में अश्योरेंस दिया सिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ नीट एग्जाम्स कोऑर्डिनेटर के लिए. उनको अश्योरेंस दिया, यस, जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला या शॉर्टेज हो गया था क्वेश्चन पेपर, उनको NTA ने अलाउ कर दिया. एज यू नो, फोनी के वजह से, जो फोनी साइक्लोन हुआ था ओडिशा में, फोनी के वजह से ओडिशा में भी एग्जाम नहीं हो पाया. तो जिस दिन ओडिशा का एग्जाम होगा, एट द सेम टाइम में जो वो सिलीगुड़ी में जो इंसिडेंट हुआ था उनका भी रीशेड्यूलिंग हो जाएगा. दैट मीन्स इट्स ए रियली गुड न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स. नीट का रीशेड्यूलिंग होगा और दोबारा एग्जाम देंगे. थैंक्स टू NTA ऑफिशियल्स, रियली डूइंग ए ग्रेट जॉब. बट आई एम अगेन एट द सेम टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग टू NTA ऑफिशियल्स, जो कर्नाटका में जो इंसिडेंट हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रेन लेट एंड ऑल, प्लीज उनको भी रीशेड्यूलिंग के लिए थोड़ा चांस दीजिए. Obviously, I believe, I think they should deserve for rescheduling, but give the another chance to give the NEET entrance exams. Rest is up to you, you decide. Still, if you have any doubts, any confusions, communicate with anything, please mail your query edunommedia@gmail.com. Thank you for watching us. Kindly like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon.